हेलो डेवलपर, माय नेम इज श्रेय पाठक और आपका मेरे चैनल 7 मिनट कोड में फिर से स्वागत है। और थैंक यू यार प्यार देने के लिए सभी को। यार अगर तुमको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है यार यार मेरी मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दो यार, बस सब्सक्राइब की ही कमी है। तो अपन देखने वाले हैं फंक्शन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पैरामीटर, फिर अपन देखेंगे कि एरो फंक्शन क्या होता हैगा, उसके अंदर अपन सिंगल लाइन पैरामीटर कैसे देते हैं, मल्टी लाइन पैरामीटर्स को रिटर्न कैसे कराते हैंगे, उसके बाद देखेंगे कि मल्टी स्टेटमेंट कैसे लिखते हैंगे अपन एरो फंक्शन के अंदर, और किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे रिटर्न कराते हैं एरो फंक्शन के अंदर। फिर अपन देखने वाले हैंगे एक्सप्रेशन फंक्शंस, यानी एनोनिमस फंक्शन भी बोल सकते हो आप। और फिर उसके बाद देखेंगे अपन इमीडिएट एग्जीक्यूट फंक्शन। मैंने आपको बताया था, मेरी आप पहले वाली वीडियो में देख सकते होगे कि ये इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था। जब भी अपन किसी फंक्शन को जल्दी से एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जिसका काम सिर्फ एक बार ही करना चाहते हैं, उसको अपन बोलते हैं इमीडिएट एग्जीक्यूट फंक्शन। तो अपन ये भी देखने वाले हैं कि सेल्फ इन्वोक भी देखने वाले हैं कि सेल्फ इन्वोक क्या होती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन पहला फंक्शन देखने वाले हैं कि फंक्शन विथ अनलिमिटेड नंबर ऑफ पैरामीटर। तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, बिना किसी पैरामीटर के अपन अपने कोड को कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं विथ आर्गूमेंट के थ्रू। अगर आपको मालूम नहीं आर्गुमेंट और पैरामीटर्स क्या होते हैं तो आप मेरे पुराने वाले वीडियो में देख सकते हो, जो मैंने अभी अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले ही यानी अपडेट कराएगा यूट्यूब पे। तो चलो अपन देखते हैं। तो जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आर्गुमेंट जो है मेरा, ये अपने आप में एक सेल्फ कीवर्ड है। सेल्फ कीवर्ड जैसे फंक्शन होता ना अपने आप में एक सेल्फ कीवर्ड, वैसे अपन इसको बोल सकते हैं अपने आप में एक सेल्फ कीवर्ड है। और ये ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ही है, ये हर एक लैंग्वेज के अंदर होता हैगा सेल्फ कीवर्ड आर्गुमेंट। तो इसके साथ में अपन काम कैसे करेंगे, तो देखो आप, अपन क्या करते हैं एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, सम ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया है राउंड ब्रेकेट लगा के, कर्ली ब्रेकेट लगा के इसको ओपन कर लिया है, और इसको हाथों हाथों कॉल भी करा देते हैं यहाँ नीचे। अपन को बाद में फिर ऐसा नहीं कि यार आउटपुट आ ही नहीं रहा है। ठीक है चलो छोड़ वो। तो देखो यहाँ पर अपन को ये कर दिया अपन ने सब कुछ, अब क्या होगा, अपन यहाँ पर सम कराएंगे। किसका सम कराएंगे अपन, 1, 2, 3, 4, 5 इनका अपन को सम कराना है, कैसे विदाउट पैरामीटर। तो वो कैसे कराएंगे, और इसका अपन को आउटपुट का मिलना चाहिए 15। ठीक है, अपन यहाँ पे आउटपुट भी लिख देते हैं, तो आपको ध्यान रहेगा किसका आउटपुट जो है 15 होना चाहिए। तो देखो अपन इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक लेट वेरिएबल बनाया सम, उसको रख दिया 0 के, फोर लूप लगाया मैंने आई इक्वल्स टू 0 के लिए, आई लेस देन आर्गुमेंट, मैंने आपको बोला है कि आर्गुमेंट अपना आप में एक कीवर्ड है। देखो ये इसका यहाँ पर ये सजेशन भी आ गया देखो। ठीक है, इसके अपन लेंथ चेक करा लेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, वहाँ तक वो चलेगा, प्लस करा लेंगे आई को। अब मेरा पूरा जितना भी सब कुछ है वो आई के अंदर है। ठीक है, जो मेरा सम है उसको अपन कराएंगे प्लस इक्वल्स टू आर्गुमेंट से, देखो सेशन नहीं आया शायद, हाँ आ गया देखो, और अपन रख देगा उसको आई के साथ में। ठीक है, अब अपन इसको, अपन अब इसको रिटर्न कराए के कंसोल कराए, चलो अपन रिटर्न कराते हैं, सही रहेगा, रिटर्न करा लेते हैं सम को। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन ने इसको रिटर्न कराया है तो अपन कॉन्स्ट इसको कर लेते हैं रिजल्ट के अंदर स्टोर, रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर अपन इसको स्टोर कर लेते हैं, है ना, और अपन रिजल्ट को करा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि अपन को आउटपुट तो देखना पड़ेगा ना, तो ये रिजल्ट नाम के वेरिएबल में अपन ने पूरा रख दिया है। तो देखो इसको सेव करता हूँ मैं, तो आप यहाँ पर देखोगे इसका आउटपुट आ गया 15। तो ये जो नंबर है ना, अपन ने सिर्फ आर्गुमेंट के थ्रू यहाँ पर इसको गेट करके और उसका अपन ने सम कर दिया। तो आर्गुमेंट का अपन इसे सेल्फ कीवर्ड के रूप में भी काम कर सकते हैं, मगर ये अब यूज़ नहीं होता है, ये बहुत एक ओल्डेस्ट फीचर या एक ओल्डेस्ट यूज़ करने वाला तरीका बोल सकते हैं। तो ये होता हैगा अपना आर्गुमेंट कीवर्ड के साथ में काम करने का तरीका। नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं कि एरो फंक्शन, और इसको हम फेथ एरो फंक्शन भी बोलते हैं। और एरो फंक्शन का यूज़ क्यों होता है, देखो सबसे पहली चीज़ ये लिखने में एक छोटा तरीका होता हैगा फंक्शन को। ठीक है, यानी कि एक आप बोल सकते हो कि कॉम्पैक्ट अल्टरनेटिव होता है एक ट्रेडिशनल फंक्शन के थ्रू। अपन ने यहाँ पे इतने बड़े बड़े फंक्शन लिखे, इसके थ्रू बहुत कॉम्पैक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद में क्लीन कोड होता है, सिंगल लाइन कोड होता है इसके अंदर, और रीडेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी रहती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको कि कैसे इसको अपन बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा मैंने कॉन्स्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया हैगा
स्क्वायर नाम से अपन स्क्वायरी करा लेते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल, ठीक है। और इसका अपन क्या करते हैं, देखो अब देखो यहाँ पे मैंने लिया ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट ले लिया है, उसके बाद में इक्वल टू और ग्रेटर देन एंगल, ठीक है। ग्रेटर देन एंगल जो रहता है ना अपना ये कीवर्ड, इसका अपन ने यूज़ कर लिया हैगा, और ये अपना कर्ली ब्रैकेट, इसको ओपन कर लिया। तो ये देखो अपना ये बन गया पूरा एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन को लिखने का तरीका बस एक ही रहता है, यहाँ पर लिखा अपन ने एक वेरिएबल, उसके बाद में इक्वल्स टू लिखा, उसके बाद में ये राउंड ब्रैकेट लगाए और एक इक्वल टू के अंदर एक एरो बनाया। कैसे बनाया, जो अपना ग्रेटर देन एंगल है उसको लगाकर, ठीक है। और अपना ये खोल दिया अपन ने इसको कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। तो अब देखो अपन इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं सिंगल लाइन पैरामीटर के अंदर। तो अपन पहला देख रहे हैं सिंगल लाइन पैरामीटर, तो इसका पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखो सिंगल लाइन कैसे होता है, तो देखो यहाँ पे मैंने दिया एक्स, है ना, अपन किसी भी चीज़ का एक वो निकाल लेते हैं स्क्वायर, है ना, एक्स इंटू एक्स, है ना। तो अपन ये अपना पूरा फंक्शन बन के तैयार हो गया, काम खत्म। ये अपना पूरा फंक्शन बन के तैयार हो गया, अपन ने कोई रिटर्न कराया ना रिटर्न कराया, बस अपना फंक्शन बन के तैयार हो गया। अब देखो इसका अपन यूज़ कैसे करते हैं, अपन एक वेरिएबल बना लेंगे रिजल्ट नाम से, जिसके अंदर अपना पूरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये देखो रिजल्ट नाम से अपन ने एक वेरिएबल बना लिया, और उस वेरिएबल के अंदर मैंने ये अपने फंक्शन को रख दिया, ओके। अब देखो अपन इसको कंसोल करा लेते हैं, किसको, रिजल्ट को, रिजल्ट को कॉपी करो यहाँ पे, पेस्ट कर दो, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे मैंने दिया 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है सबको पता, 25, तो यहाँ पर 25 आ गया। तो ये अपना सिंगल लाइन में ही काम हो गया है, इससे कोई मतलब नहीं, अपन ने सिर्फ इसको कॉल कराने के लिए यहाँ पर ऐसा लिखा है। तो ये सिंगल लाइन अपना कि अपन सिंगल लाइन पैरामीटर कैसे देते हैं और कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं एरो फंक्शन के अंदर। अपन अब देखेंगे मल्टी पैरामीटर। देखो मल्टी पैरामीटर में क्या होता है, इसके अंदर ही आपको बता दूँ कि चलो अलग बना लेता हूँ आपके लिए, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मल्टी लाइन पैरामीटर कैसे देते हैं अपन, देखो मल्टी लाइन पैरामीटर के अंदर अपन क्या करेंगे कि ये जो मेरा इसकी उठा लेता हूँ, इसकी उठा लेता हूँ यहाँ पर से, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। देखो अपन इस करा लेंगे अब सम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर कर दूँगा मैं प्लस, अपन ने कोई रिटर्न विटर्न कुछ भी नहीं करा। देखो वाई, ये अपना बन गया एक और फंक्शन, ठीक है। ये वापस यहाँ पे से अपन रिजल्ट उठा लेते हैं, रिजल्ट, ठीक है। और इस सम का अपन जो फंक्शन है यहाँ पे कॉल करा देते हैं, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे क्या करा, दो यानी मल्टी पैरामीटर लिए, यानी दो पैरामीटर लिए, तो अपन को दो वैल्यू यहाँ पे देना पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कर देता होगा 5 और 5, ठीक है। अब रिजल्ट को अपन कंसोल करा लेते हैं, तो देखो आप 10। तो ये हो गया अपना क्या, मल्टी लाइन पैरामीटर रिटर्न सिंगल वैल्यू, ठीक है। अपन अपनी सिंगल वैल्यू ने रिटर्न कर दी। तो ये होता अपना मल्टी लाइन पैरामीटर काई के अंदर, एरो फंक्शन के अंदर। एरो फंक्शन आपको लिखता आ गया है, मेरे को लग रहा है। अब अपन देखते हैं कि मल्टी स्टेटमेंट कैसे देते हैं एरो फंक्शन के अंदर। तो ये थर्ड वाला अपन पॉइंट अब चेक करेंगे, यहाँ पर थर्ड वाला पॉइंट। अब देखो मल्टी लाइन जो आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ वो अपन कैसे देते हैं, तो अपन एक काम करते इसका ही यूज़ कर लेते हैं। चलो ठीक है, मैं बना ही लेता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। अपन क्या सम ही करा लेते वापस से। तो देखो सम और इक्वल टू राउंड ब्रैकेट और एरो, ठीक है। और ये कर्ली ब्रैकेट इसको ओपन करा लिया अपन ने, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता होगा कंसोल डॉट ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे मैं देता होगा क्या x कॉमा वाई, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या कराते हैं, देखो इसके अंदर अपन वैल्यू रिटर्न करा लेते हैं। क्या वैल्यू रिटर्न कराएंगे अपन इसके अंदर के एडिंग, ठीक है, क्या x एंड y, ठीक है, एंड y। ये मैंने कर ली ब्रैकेट के अंदर y लिख दिया। अगर आपको मालूम नहीं ये क्या तरीका है, तो आप मेरे जो प्रीवियस वीडियो जो है पुराने वीडियो उसमें आप देख सकते होगे, आपको मेरे पुराने वीडियो में मिल जाएगा कि ये x और y अपन ने बैक टिक के अंदर क्यों लिखा है, ठीक है। तो अपन इसको करा लेते हैं कि रिटर्न भी x प्लस y, ठीक है। अब वही अपना वही तरीका, कंसोल वंसोल कराना है तो कराओ, नहीं तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। इसको अपन दो टाइप से करा लेते हैं। रिजल्ट में अपन इसको रख देंगे यहाँ से, किसको, इस फंक्शन को, और अपन इसके अंदर दो वैल्यू पास कर देते हैं। क्या पास करते, 7 कॉमा 7, ठीक
ठीक है, कंसोल डॉट टू लॉग, और यहाँ पे अपन रिजल्ट डाल देंगे। अब देखो आप सेव, देखो 7 और 7 को हमने क्या कर दिया ऐड, तो उसका आउटपुट क्या गया 14। तो ये होता अपना मल्टी स्टेटमेंट इन फंक्शन, काय के अंदर एरो फंक्शन के अंदर अपन कैसे दे सकते हैं। अपन यहाँ पे इतना बड़ा फंक्शन वंक्शन कीवर्ड लिखो वगैरह वगैरह कोई मतलब नहीं, तो देखो यहाँ पर ये ऐसे करके आ गया। तो अपन अब देखते हैंगे कि अपन किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कैसे कराते हैंगे एरो फंक्शन के अंदर। आपको अगर ये समझ नहीं आया तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 5 लिख देता हूँ। देखो 5 प्लस 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना 12। देखो 5 प्लस 7 अपना यहाँ पर हो जाएगा 12। तो इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे मैंने इसलिए इसको ऐसा लिखा, यहाँ पे एक काम करता हूँ प्लस कर देते हैं यहाँ पर ऐसा, तो आपको ज़्यादा समझ में अच्छा लगेगा। देखो 7 प्लस 5 12। तो ऐसे ही काम होता है मल्टी स्टेटमेंट के साथ में एरो फंक्शन के अंदर। अब अपन देखने वाले हैंगे कि एरो फंक्शन के अंदर अपन किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कैसे कराते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप एरो फंक्शन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिटर्न कैसे कराते हैं, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले यहाँ पर यही चीज़ का यूज़ कर लूँ तो सही रहेगा। चलो ठीक है कर लेते हैं इसका ही, कॉन्स्ट है ना, मैंने बनाया सम, ठीक है वापस से सम ही बना लेते हैं, सम ए बना लेते हैं। चलो सम ए, सम सम ए कुछ भी नाम दे सकते हो यार, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा यहाँ पर वापस से दो पैरामीटर पास कर दिए एक्स और वाई। अपन को क्या इनका जो भी आउटपुट है वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए। ऑब्जेक्ट मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, तो ठीक है मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो अभी आप देख लो तो अपन को कैसे मिलेगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये जो राउंड ब्रेकेट है इसके अंदर अपन ने कर्ली ब्रेकेट लगा दी, यानी कि अपन ने इसके अंदर ही पैरेंथेसिस देके इसका काम कर लिया। मैंने यहाँ पर लिखा सम जो मेरा होगा वो क्या होगा एक्स प्लस वाई, और फिर अपन ने क्या करा है यहाँ पर इसके अंदर उसका जो डिफरेंट होगा, ठीक है वो क्या होगा एक्स माइनस वाई, उससे डिफरेंस ये होगा। तो ठीक है अपन इसको कॉल कैसे कराते हैं, तो देखो कंसोल डॉट नहीं, अपन इसको पहले एक वेरिएबल में रखेंगे रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको कॉल करा लेना है, और यहाँ से मेरे को दो पैरामीटर पास करना है, क्या मैं कर देता हूँ 2 और 5, ठीक है। इसको अपन कंसोल करा लेते हैं डॉट लॉग रिजल्ट, ठीक है। देखो ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया, देखो 2 प्लस 5 क्या हो गया 7, और 2 माइनस 5 क्या हो गया -3, क्योंकि 5 बड़ा है। तो देखो ये अपना एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया, देखो डिफरेंट में आ गया -3 और सम में आ गया 7। तो इस तरीके से अपन किसी भी वैल्यू को ऑब्जेक्ट के अंदर रिटर्न करा सकते हैंगे विथ एरो फंक्शन के अंदर। तो अपन अब देखने वाले हैंगे एनोनिमस फंक्शन। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाने के कारण मैंने एनोनिमस फंक्शन और फंक्शन एक्सप्रेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया है, तो आप उसमें देखना और इमीडिएट फंक्शन वगैरह। तो अपन इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एनोनिमस फंक्शन और फंक्शन एक्सप्रेशन, तो वो वीडियो भी कल जल्दी आ जाएगा, टेंशन मत लो आप।